जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिक इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के बीच जो मुकाबला होने वाला है उसके ग्रैंड लीग टिप्स और स्ट्रेटजीज की। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल फाइनल पिच रिपोर्ट, वो सब कुछ आपको मिलेगा कहाँ? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिन कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो जाइए टेलीग्राम ऐप पे, और ये आपको टेलीग्राम ऐप दिखाई देगा, उस पर आप सर्च कीजिए @ क्रिक इन्फॉर्मर, CricInformer @ क्रिक इन्फॉर्मर सर्च करेंगे तो सेम यही यूजर नेम और टेलीग्राम चैनल का नेम क्रिक इन्फॉर्मर होगा। 4,43,000 सब्सक्राइबर्स के आसपास आपको सब्सक्राइबर दिखाई देंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस मैच की। उससे पहले आज के मैच के ट्रम्प कार्ड कौन हो सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, ट्रम्प कार्ड वो प्लेयर जिनका सिलेक्शन कम हो लेकिन उनमें पोटेंशियल है। जैसे कि एक हैं चमिका करुणारत्ने, आज खेलने वाले हैं, वो आपको ठीक ठाक पॉइंट कभी भी दे सकते हैं। रीजन, कभी कभी वो डेथ में बॉलिंग कर जाते हैं, यहाँ पर पिच पेसर्स के मददगार लग रही है तो मतलब उसका भी पॉइंट दे सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बैटिंग बैकअप भी देते हैं, तो सनाका वाला रोल ये कर सकते हैं, लेकिन ये सनाका जो ओवर्स कम करते थे ना, लेकिन चमिका करुणारत्ने ज़्यादा करते हैं। तो ट्रम्प कार्ड नंबर 1 होंगे चमिका करुणारत्ने, जिनको आप टीम में ट्राई कर सकते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं तो। दूसरे होंगे एडम जाम्पा, जिनका सिलेक्शन बहुत ही कम है, रीजन फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखिए वो विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं और वर्ल्ड कप से 3-4 मैच पहले वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे, तो ये बात ध्यान देना है। और तीसरे ट्रम्प कार्ड है मिशेल मार्श, जो कि अभी तक कुछ खास चले नहीं है, लेकिन सामने कमज़ोर टीम है तो वो अच्छा कर सकते हैं। और अगर हम बात करें एक और ट्रम्प कार्ड की तो वो हो सकते हैं दिलशान मधुशंका, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस पिच पे पेसर्स को मदद मिलना चाहिए। तो दिलशान मधुशंका शुरुआती ओवर्स में अच्छा खासा मूवमेंट हासिल करते हैं, वो भी दोनों साइड, तो उनमें पोटेंशियल है। तो ये 4 हमारे ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, जो भी इन पे रिस्क लेना चाहे ले सकते हैं, जिनमें से मिशेल मार्श और जाम्पा कॉमन मिलेंगे। तो बेसिकली 2 ट्रम्प कार्ड आपको मिलेंगे, मधुशंका और चमिका करुणारत्ने के रूप में। तो टीम देख लेते हैं। तो देखिए, बेसिकली हम वही कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि स्मॉल लीग की टीम हो, उसमें रोटेशन हो सीवीसी का और जीएल के, और प्लस जीएल के कैप्टन्स का रोटेशन हो। तो जीएल के कैप्टन्स आज के लिए कौन कौन रहेंगे वो भी हम देख लेते हैं। जीएल के कैप्टन्स जो होंगे ऑस्ट्रेलिया, जैसे फर्स्ट बॉलिंग करता है ना, मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हैजलवुड, ये तीनों रहेंगे। और ऑस्ट्रेलिया सेकेंड बॉलिंग करता है तो आपके लिए एडम जाम्पा अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन जीएल के रहेंगे। और थोड़ा सा रिस्क लेना चाहे तो मिशेल मार्श आज ग्रैंड लीग में अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते हैं, जो कि कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सेम लॉजिक देखेंगे। स्मॉल लीग का टीम का कैप्टन ऑस्ट्रेलिया, प्लस ऑस्ट्रेलिया को आराम से जीतना चाहिए हम उम्मीद कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भी देखेंगे। और एक कम्बिनेशन हम देखेंगे बैटिंग विकेट के हिसाब से, जिसमें क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्या मतलब पास्ट में तो नहीं मिला है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार बल्लेबाजों को मुफीद वाली भी पिचें यहाँ पे लखनऊ में मिल सकती हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टीम कम्बिनेशन है ये मेरा नॉर्मल सिनेरियो है। क्या है, मैं मान के चल रहा हूँ पेसर्स को एडवांटेज मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया क्या कर रही है यहाँ पे, बैटिंग बेसिकली मतलब आप मान के चलिए कि सेकंड कर रही है और पेसर्स को एडवांटेज है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आराम से जीतेगी। हाँ, हो सकता है 2 विकेट के आसपास उनका गिर जाए, मतलब कि नंबर 4 तक के बल्लेबाज उनको जीत दिला दें, तो उस हिसाब से ये टीम कम्बिनेसन है। तो देखिए, जब विकेट थोड़ा सा पेसर्स के मुफीद होता है तो शायद, जैसे पिछले मैच में साउथ अफ्रीका 300 गई थी, लेकिन 250 से 280 का विकेट है, तो मैं उतना ही उम्मीद कर रहा हूँ। तो ये मैंने टीम बनाया हुआ है। अब इसमें थिंकिंग क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, थिंकिंग ये है कि इनके मोस्ट इनफॉर्म बल्लेबाज है मेंडिस, उनको मैंने कवर किया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा मूवमेंट होगा शुरुआती ओवर्स में, ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स उसका एडवांटेज दे सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपको मतलब पेसर्स इनके विकेट निकाल के जा सकते सकते हैं शुरुआत में, तो निशांका को मैंने कवर नहीं किया है। दूसरे कुशल जनित परेरा उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है और प्लस मेंडिस फॉर्म में, उनको मैंने लिया है। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, उनको विकेट ज़रूर मिलना चाहिए ठीक ठाक। श्रीलंका में कौन विकेट लेके चला जाएगा वो बता नहीं सकते, मैं दो विकेट की उम्मीद बेसिकली कर रहा हूँ, तो कौन लेके चला जाएगा वो बता पाना मुश्किल है और शायद एक आख ही विकेट लें, तो इसलिए श्रीलंका के गेंदबाजों को मैंने नहीं लिया है, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को कवर किया है। और उसके अलावा इस कम्बिनेशन में देखिए अच्छे पिक हो कौन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मानस लबुशेन की उतनी बैटिंग ना आए, तो आप उस केस में किसको ले सकते हैं, चारिथ असलंका जो बेसिकली सभी टाइप के अटैक को ठीक ठाक खेल लेते हैं, खासकर एशियन कंडीशन में। मैंने वेलालागे को इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये 10 ओवर कंफर्म बॉलिंग करेंगे और प्लस बैटिंग बैकअप भी दे सकते हैं, और ऊपर से मैं मान के चल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर चलेगा, तो ये सब मैंने कवर किया हुआ है। कैप्टन वाइस कैप्टन इस कम्बिनेशन में कौन हो सकते हैं, इस कम्बिनेशन में CVC जो हो सकते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। मार्स का थोड़ा सा फॉर्म खराब है तो कैप्टन बनाना रिस्की रहेगा, लेकिन रिस्क लेने वाले ट्राई कर सकते हैं। स्टीव स्मिथ, वार्नर, जॉश हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस, ये 5 अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। तो सेम टीम में आप CVC का रोटेशन कीजिए, आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है। अब यही कॉन्सेप्ट पे इवन अगर श्रीलंका फर्स्ट बॉलिंग भी करती है ना, तो हम ये मान के चल रहे हैं इसमें कि श्रीलंका के टीम के जो डेथ ओवर के बॉलर हैं उतना ज़्यादा विकेट नहीं लेंगे, एक आख विकेट ही लेंगे, तो उस हिसाब से मैंने माना हुआ है, तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये बेसिकली स्मॉल लीग की ही टीम है। अब दूसरा वाला थोड़ा सा मैं वेरिएशन दिखाता हूँ, इसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मिशेल मार्श जिनका फॉर्म खराब चल रहा है वो शुरुआत में विकेट फेंक देंगे, तो इसलिए मैंने लिया किसको है, चरित असलंका को, जिनका रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, प्लस वो एशियन कंडीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम चलते हैं। और देखिए कुशल मेंडिस ये इधर वर्ल्ड कप में चलना स्टार्ट हुए हैं, थोड़ा एशिया कप से, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पे आप देखेंगे तो इनके असलंका ही चलते हैं, तो इनको मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, सेम टीम, एक रोटेशन है, CVC अगेन वही रहेंगे और थोड़ा सा मेंडिस पे भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मेंडिस जनरली जब मूवमेंट होता है ना तो बहुत बड़ा नॉक नहीं खेलते, तो इसीलिए मेंडिस को मैंने कैप्टनसी ऑप्शन में अभी नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं, फिर एक और वेरिएशन देखते हैं। इस बार जो टीम है वो आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे, मैंने इसमें चेंज किया है एक, वो ये कि मिशेल मार्श एक तो आउट ऑफ फॉर्म है, दूसरे आउट ऑफ फॉर्म है कौन, जाम्पा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जाम्पा भी थोड़ा वेवर्ड गेंदबाजी करेंगे तो उनको विकेट नहीं मिलेगा, तो मैंने एक प्लेयर और बढ़ा लिया। किसको बढ़ाया, धनंजय डी सिल्वा, जिनका रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छा है, लेफ्ट हैंडर्स मतलब खासकर वो बॉलिंग कर सकते हैं किसके अगेंस्ट, वार्नर के अगेंस्ट ठीक ठाक, और प्लस टेक्निकल बल्लेबाज है, तो इनको भी मैंने लिया हुआ है। तो ये मैंने थोड़ा सा टीम में वेरिएशन रखा है, सेम टीम है बस एक प्लेयर का चेंज है, तो यही रोटेशन मैं आपको दिखाना चाहता था। कैप्टन वाइस कैप्टन अगेन वही 5 रहेंगे जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करती है तो मैक्सवेल को आप कैप्टनसी ऑप्शन में रख सकते हैं। तो ये है बेसिकली ये वाला जो है आप मान के चलिए ये है ऑस्ट्रेलिया बैटिंग एक तरीके से सेकेंड का, क्योंकि इसमें मैंने डेथ ओवर के बॉलर बिल्कुल भी नहीं लिया है। अब एक टीम 4 भी देख लेते हैं, इसमें क्या वेरिएशन है। इस बार मैं मान के चल रहा हूँ ये विकेट थोड़ा सा मतलब कि ऐसा होगा कि थोड़ा सा स्लो होगा, मतलब कि बहुत स्लो नहीं मानेंगे, लेकिन जैसे कि क्या कह सकते हैं कि महेश तीक्षणा के मिस्ट्री को उतना ना समझ पाए ऑस्ट्रेलिया वाले, उस हिसाब से मेरा मतलब वो है कि सेकंड इसमें श्रीलंका की बॉलिंग है और विकेट गिर भी रहा है ना, तो जैसे आ रहे हैं शुरू में वार्नर स्ट्रगल करते हैं, उनका विकेट ले लिया और एक आख विकेट और तीक्षणा ने ले लिया, तो उस हिसाब से कि इनके सबसे बेस्ट गेंदबाज जो है टैलेंट वाइज तीक्षणा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तीक्षणा को इस मैच में विकेट मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से ये टीम है एक तरीके से। तो आप देख रहे होंगे अगेन स्टीव स्मिथ हैं, वार्नर हैं, लबुशेन हैं, असलंका हैं, वेलालागे हैं, तीक्षणा हैं, मेंडिस हैं। आप इसमें ये कर सकते हैं कि जाम्पा को रख सकते हैं कि अगर ये आप ये मानते हैं कि थोड़ा स्लोअर साइड पर विकेट है, तो क्या हो जाएगा कि टीम के सारे इंपॉर्टेंट स्पिनर हो जाएंगे, तो ये आप ऐसा इस टीम कॉम्बिनेशन में मान के असलंका की जगह जाम्पा को भी रख सकते हैं, क्योंकि तीक्षणा को मैंने इसीलिए रखा हुआ है कि थोड़ा सा मैं मान के चल रहा हूँ कि ड्यू उतना आए और विकेट थोड़ा स्लो डाउन हो जाए और सेकेंड इनिंग में टर्न मिलने लगे। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्न की उम्मीद मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन श्रीलंका के बेस्ट गेंदबाज है तीक्षणा, तो एक कम्बिनेशन उनको साथ में रख के मैंने बना लिया है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बेसिकली बात करेंगे वन साइडेड विनिंग ऑस्ट्रेलिया की हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्या कर रही है यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट कर रही है और उस हिसाब से टीम कम्बिनेशन है। तो देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया के सारे मेन बॉलर्स इंपॉर्टेंट है, उनको कवर कर लिया, ठीक। और उसके अलावा बैटर्स में मैं क्या मान के चल रहा हूँ ये भी ध्यान दीजिएगा कि ओपनिंग भी इस बार चलेगी ऑस्ट्रेलिया की। जैसे पहले मैच में फर्स्ट इनिंग में बहुत ज़्यादा मतलब वो देखने को नहीं मिला था कि मूवमेंट हो, सेकेंड इनिंग में थोड़ा अंडरलाइट मूवमेंट होने लगा था, तो ये कुछ उस हिसाब का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये टीम है। तो मैंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया के टॉप थ्री को कवर कर लिया, मैक्सवेल को ले लिया और इधर से इनके पांचों उसको ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे मैंने श्रीलंका के जो प्लेयर्स रखे हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। मैं मान के चल रहा हूँ सेकेंड इनिंग में जैसे ठीक ठाक पेसर्स को एकदम सपोर्ट मिलने लगा था पिछले मैच में, उस हिसाब से तो मैंने क्या रखा है, निशांका को नहीं रखा हुआ है, निशांका ठीक ठाक बल्लेबाज है लेकिन उनको नहीं रखा है, मेंडिस को इसलिए रखा है क्योंकि विकेट कीपर कैटेगरी में सबसे सेफ वही दिखाई दे रहे हैं, ठीक। और असलंका के साथ मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये इवन खराब परिस्थितियां भी होती हैं तो एक साइड से एंकर कर जाते हैं। आप इनके जगह कोई भी ऑलराउंडर ले सकते हैं, जैसे वेलालागे ले सकते हैं या फिर किसको ले सकते हैं, चमिका करुणारत्ने, क्या पता डेथ में बॉलिंग करके कुछ रन बना जाए, या फिर धनंजय डी सिल्वा को भी ले सकते हैं, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। रजिता को मैंने लिया है क्योंकि ये कंफर्म डेथ में करते हैं, ठीक है, तो मैं इनसे एटलीस्ट 2 विकेट की उम्मीद कर रहा हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने किया है, मैक्सवेल को कैप्टन, स्मिथ को वीसी, रीजन वही है सेकेंड इनिंग में प्रेशर होगा तो मैक्सवेल को क्या पता अच्छा खासा विकेट भी मिल जाए प्लस रन भी बना दे। स्टीव स्मिथ को मैंने वीसी रखा हुआ है। इस कम्बिनेशन में वार्नर, मार्स और जाम्पा भी अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वन साइडेड विनिंग कम्बिनेशन का ही एक और थोड़ा सा रूप देख लेते हैं। इसमें ये मैं मान के चल रहा हूँ कि वन साइडेड ऑस्ट्रेलिया विन तो कर रही है लेकिन फॉर्म जैसे मार्स का गड़बड़ है तो वो शुरुआत में ही विकेट फेंक दे, तो मार्स को मैंने ड्रॉप किया है, मैंने ले लिया है लबुसेन को इस बार। और उसके अलावा वेलालागे को मैंने लिया है, वेलालागे इसलिए क्योंकि ये 10 ओवर कंफर्म करेंगे, बैटिंग बैकअप देके जा सकते हैं और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत रही है। तो श्रीलंका मान लीजिए अगर फ्लॉप हो जाते हैं तो वेलालागे अगर एकाक विकेट भी निकाल लेते हैं तो उस पर मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट दे के जाएंगे, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन अगेन वही होंगे, मैक्सवेल, स्मिथ, वार्नर और उसके अलावा जाम्पा को आप ट्राई कर सकते हैं या इवन हेजलवुड को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और कंसेप्ट देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी वन साइडेड विन कर रही है ऑस्ट्रेलिया लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं कि पेसर्स को इस बार मूवमेंट मिलेगा और जैसा पिच दिखाई दे रहा है उसमें दिखाई दे रहा है कि ग्रास है अच्छा खासा, तो इवन फर्स्ट इनिंग में भी मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये टीम है। तो मैंने क्या रखा है, वार्नर को रखा है, स्मिथ को रखा है, लबुसेन अच्छे पिक होते लेकिन लबुसेन को मैंने कवर नहीं किया है, कभी कभी वो वनडे में 30-35 जाते जाते विकेट फेंक देते हैं तो मैंने उनको कवर नहीं किया है। अब जो प्लेयर्स आप देखेंगे तो मैंने श्रीलंका से रखा हुआ है रजिता को जो कि डेथ में कंफर्म करेंगे, मधुशंका, ये क्या है श्रीलंका फर्स्ट बॉलिंग का है, ये बात ध्यान दीजिएगा। जहाँ जहाँ पे आपको रजिता दिखाई दे रहा है तो वो श्रीलंका फर्स्ट बॉलिंग पे है, ये कन्फर्म मान के चलिएगा। मधुशंका को रखा हुआ है, रीजन वही है कि मधुशंका आपको मूवमेंट में शुरुआत में विकेट देंगे, इवन डेथ कर सकते हैं। चमिका करुणारत्ने क्या पता डेथ में आ जाए, प्लस बैटिंग बैकअप रहेगा और टीम के थर्ड मेन पेसर रहेंगे और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये तब पिच ऐसी रहेगी जिस पर पेसर्स को मदद रहेगा जैसे पिछले मैच में था, तो ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लबुसेन अच्छे पिक रहेंगे क्योंकि लबुसेन ऐसे पिचेज पर चल सकते हैं तो आप उनको रोटेशन में चाहें तो जैसे चमिका करुणारत्ने उनके जगह ट्राई कर सकते हैं। जाम्पा को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ सेकेंड बॉलिंग है ऑस्ट्रेलिया की तो प्रेशर बनाएंगे तो इवन लेंडर्स के अगेंस्ट भी जाम्पा आएंगे तो 2 विकेट निकाल देंगे, ठीक है। तो कुछ वैसा कॉन्सेप्ट है ये, कैप्टन अगेन वही रहेंगे, इवन इस बार ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स भी अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ मूवमेंट होगा पिच पे, तो ये ध्यान देना है जैसे पिछले मैच में था। पिछले मैच में फर्स्ट इनिंग में उतना नहीं मिला था लेकिन शुरुआत में देखने को मिला था, तो ये भी बात ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, अगेन अब एक कम्बिनेशन हम देख लेते हैं। इस बार हम मान के चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड जीतेगी लेकिन इस कम्बिनेशन में थोड़ा बैटर्स को ज़्यादा एडवांटेज होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये हम मान रहे हैं कि बैटर्स को एडवांटेज होगा, जैसे श्रीलंका के साउथ अफ्रीका के खिलाफ गेम नहीं हुआ था क्योंकि पिच ऐसा भी हो सकता है कि हार्ड हो सकता है, तो ये ध्यान देना है कि हार्ड भी हो सकता है पिच और अगर हार्ड हुआ तो बल्लेबाजों की मदद होगा लेकिन आप तभी कवर कीजिएगा इसको जब क्या होगा कि बैटर्स को एडवांटेज मिल रहा हो, जैसे साउथ अफ्रीका और श्रीलंका वाला गेम हुआ था, हालांकि इस पिच पर नहीं हुआ था लेकिन वैसा पिच सिक्स भी होने के संभावना है क्योंकि एकदम स्लो विकेट तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये उस टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या है, बल्लेबाज जो हैं अच्छे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे जो बल्लेबाजी पिच पे चलते हैं। तो मैंने क्या किया है, मान के चला है कि ऑस्ट्रेलिया के तीनों तब फिर अच्छा स्कोर करेंगे, लबुसेन की उतनी बैटिंग नहीं आएगी, मैक्सवेल बॉलिंग में विकेट निकाल सकते हैं, प्लस थोड़ा बहुत बैटिंग आ गया तो 20-25 कर सकते हैं। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के मेन बॉलर्स को कवर किया है क्योंकि साउथ अफ्रीका को मैं श्रीलंका को मैं हारते हुए देख रहा हूँ। ठीक है, अब इनके जो प्लेयर्स लिए हैं मैं श्रीलंका के बॉलर्स से उतना विकेट की उम्मीद नहीं ले रहा हूँ, या ले भी तो एक एक लें। तो इनके जो मेन इनफॉर्म बल्लेबाज हैं उनको ले लिया, कुशल मंडिस, सदीरा समराविक्रमा और असलंका भी अच्छे फॉर्म में है, समाराविक्रमा बैटिंग विकेट पे अच्छा करते हैं, मेंडिस भी करते हैं, तो इनको भी लिया है। अब चाहें तो यहाँ पे जाम्पा को हटा के निशांका को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ बल्लेबाजों के मुफीद पिच है, गेंदबाजों को उतना मदद नहीं मिलेगा। तो जाम्पा बैटिंग फ्रेंडली पिच पे बहुत बार उतना अच्छा नहीं कर पाते अनटिल अनलेस ऑस्ट्रेलिया की सेकेंड बॉलिंग ना हो। और ये टीम आपको देख के बेसिकली दिखाई दे रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की शायद फर्स्ट बॉलिंग है यहाँ पे। तो आप जाम्पा की जगह निशांका को ले सकते हैं इस टीम कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक और टीम कॉम्बिनेशन जो मैंने बोला था कि निशांका अच्छे पिक होंगे, तो मैंने असलंका की जगह ले लिया, लेकिन आप जाम्पा की जगह ले सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन जो मैंने बताए हैं उसी हिसाब से आपको रोटेट करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, सीबीसी रोटेशन करेंगे। अगर वो सही हुआ तो फिर आपको अच्छा खासा मतलब रैंक मिल सकता है ग्रैंड लीग में। और एक बात ध्यान दीजिएगा, लास्ट के दोनों कम्बिनेशन में मैंने ये माना है कि पिच पर बल्लेबाजों की मदद होगी, तो ये तभी बनाना है जब बल्लेबाजों के मददगार पिच हो। तो आप इस हिसाब से टीम में चेंजेज कर सकते हैं। बस बेसिकली आप देखिए कौन कौन से प्लेयर हम किस हिसाब से ले रहे हैं और उस हिसाब से आप टीम में चेंजेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो टेस्ट समाप्त होती है। और हाँ, ये जो बैटिंग वाला पिच का हमने बनाया है ना, इसमें कैप्टन आप बेसिकली टॉप ऑर्डर में ही रखिएगा क्योंकि वो लोग ज़्यादा इंपैक्ट दे सकते हैं। और आप इसीलिए देख ले होंगे वार्नर कैप्टन है, स्टीव स्मिथ वेसी है, इवन इस कॉन्सेप्ट में ना कुशल मेंडिस भी अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे क्योंकि वो बैटिंग पिचेज पर अच्छा करते हैं। मिशेल मार्श को भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि कुछ ओवर्स बॉलिंग वो कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट सारा अच्छा लगा होगा, सारे लॉजिकल हैं, वन साइडेड विनिंग कॉम्बिनेशन का ही हम देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको वो पीडीएफ वाला नहीं दिया कि किसको किसको क्या करना है, रोटेशन का बता ही दिया है। तो आप उस हिसाब से टीम में चेंजेज कर सकते हैं। तो वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए स्ट्रेटजीज के साथ, नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।